ड्राइवर साहब अपने में खुद से भर रहे थे। हे गाइस वेलकम बैक, तो नए डे नए व्लॉग में आपका स्वागत है, आपका भाई सचिन यादव। तो अभी भाई मैं केमिस्ट्री क्लास कर रहा हूँ, अभी मतलब बहुत लेट हो गया था सुबह तो, और धूप लेते हुए कर रहा हूँ, सूर्य भगवान का धूप है, द्वार पे बैठा हूँ, मस्त फीलिंग आ रही है गाइस। ऐसा आप अगर फील करते तो भाई कमेंट जरूर कर दिया कीजिए कि भाई मॉर्निंग में अगर सूर्य भगवान की अगर रोशनी लेते हैं तो वो भी ठंड में क्या सुकून देती है। और गाइस हमारे आसपास की खेती सभी मतलब प्लगिंग हो गई कल्टीवेटर से, अब उसमें गेहूँ छिटाना का कार्यक्रम बहुत तेज़ी से चल रहा है। देख लो गाइस ये जो बगल में है वो सारा खेत प्लग हो गया है और चिड़िया अपना दाना खोज रही हैं, शायद कैमरे में नहीं आ रहा वो वाइट है ना। द्वार पे कुछ इस प्रकार से है और मेरा कॉपी यहाँ पे है जो कि कोऑर्डिनेशन स्पॉटलाइट लिखा हूँ मैं, मतलब कुछ हेडिंग डाल देता हूँ ताकि अच्छा लगे। तो गाइस अभी नहा होके एकदम रेडी हूँ, क्लासेस कर रहा हूँ गाइस। क्लास के बीच में थोड़ा सोच रहा हूँ 5 मिनट का ब्रेक लेने के बाद, क्योंकि मुझे आपको एक चीज़ दिखानी है। क्योंकि पहले तो आप देखो डिस्कस कर देना चाहता हूँ कि देखो गाइस इसमें काम बहुत ज़्यादा हो गए हैं और ड्यूरेबिलिटी कम हो गई है, तो मतलब गाइस वीडियो थोड़ा लेट और फास्ट हो सकता है गाइस, इसके लिए सॉरी चाहूँगा। हाँ गाइस, और आज का डे बहुत इंपॉर्टेंट ही रहा क्योंकि मैंने थोड़ी सी सुबह लापरवाही कर दी तो एडिटिंग भी नहीं हो पाई, मतलब मेरी लापरवाही थी कि जो मैं हर चीज़ में मेरा अगर सुबह का अगर शेड्यूल आप फॉलो नहीं करेंगे तो लेट होता चला जाता है। तो अभी मुझे को डीजल 2 बार लाना है, तो मैं 1 बार लाऊंगा, 1 राहुल के लिए छोड़ दूंगा, वो 2 बजे स्कूल से आएगा तो लाएगा, ठीक है गाइस। और अभी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि आपको मैं अभी मैग्नेट दिखाऊंगा गाइस। मैग्नेट का रोल ये है कि मशीन तो देख ही रहे हैं राइस मिल, मैंने आप उसको इंट्रोड्यूस आपसे तो कराया ही था, उसमें सिंपली मुझे करना है कि वहाँ से एक मैग्नेट निकालूंगा, फिर देखते हैं गाइस उसमें कितने आयरन मतलब चिपके हैं, क्योंकि वो आयरन वो मैग्नेट का यही रोल है कि अगर मशीन में कोई आयरन पत्थर में जाने से रोके, अगर वो मैग्नेट नहीं रहेगा तो आयरन पत्थर में जाएगा तो पत्थर खराब हो जाता है। तो आज चेक करते हैं उस आयरन यानी उस मैग्नेट में कितने आयरन चिपके हैं। तो गाइस फटाफट से चलते हैं उसको लेते हैं। तो गाइस फटाफट से चलते हैं मशीन के पास और मशीन में देखते हैं इस आयरन को। देखो गाइस, अरे सॉरी मैग्नेट को, पहले मैं मैग्नेट इसमें से निकालता हूँ। और गाइस यहाँ पे देखो इसके अंदर आपको पत्थर दिखेगा, देखा कि नहीं, इसके अंदर गाइस पत्थर है। इस मैग्नेट को मैं यहाँ पे रख लेता हूँ फर्श पे। और गाइस इस मैग्नेट पे देखो भूसी करना जो लगा तो लगा है, पर ये देखो गाइस मेन चीज़ दैट इज ये है गाइस जो मुझे आपका दिखाना, ये सभी आयरन है। देखो गाइस इस पे छोड़ा रहा हूँ ना, ये सभी आयरन है, आयरन के पार्टिकल्स जो कि पत्थर में जाने से कंट्रोल करती है। और गाइस हमने 10th में क्लास स्टडी करी थी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट करती है, जो कि यहाँ पे गाइस अगर आपको क्लियर हो रहा होगा तो हो रहा होगा कि आयरन जो है यहाँ पे बार हेयर की तरह खिले खिले हैं, यानी कि फील्ड में अट्रैक्टिव अपना फोर्स दिखा रहे हैं। ये इसका सेंटर है, यहाँ पे ऐसे सेंटर है और ये सभी आयरन है। पे जा रहे हैं, ड्राइवर भी है वहाँ पे, मैं भी जा रहा हूँ। ड्राइवर साहब अपने में खुद से भर रहे थे। गाइस इसे मैं जहाँ था वहीं पे रख, उस मतलब उस टोकरी में डाल देता हूँ, और चिड़िया यहाँ पे उड़ गई टोकरी में।
ये चीज़ें हैं जो कि सेफ्टी पर्पज से है। गाइस मैंने अभी डीजल ला दिया है, घर पे रख दिया, एक ड्राइवर साहब को दिलवा दिया है एक गैलन, एक गैलन घर लाया हूँ। पापा आएंगे और राहुल रोहित जब आएंगे तो ले लेंगे। अब मेरा एक बज गया गाइस, लाइब्रेरी के लिए मैं निकलता हूँ। अगर भाई आप लोग में से कोई किसान होगा तो देखो यही गेहूँ बुआ रहा है हमारे घर, दयाल कंपनी का दिस इज। और भाई ये गेहूँ की क्वालिटी है, इसमें दवा लगी रहती है। ऐसा ही गाइस 3 बोरा है, मतलब ये 20 केजी का है तो 1.5 बीघा के आसपास के लिए आया है। और वहाँ पे खेत में छीट रहे हैं और दादी बैठी है उन लोग का मैनेज कराने के लिए, कुछ इस प्रकार से है। अब मैं जाता हूँ गाइस, निकल तो गया हूँ पर लेट हूँ। मैंने कल, अभी तो आज का मॉर्निंग हो गया है, कल जनरली शाम को थोड़ा नाश्ता किया और स्टडी फॉलो किया। और गाइस मैंने एक्चुअली 10 बजे तक स्टडी की। अब मैं गाइस आपको बोलना चाहूँगा थैंक यू, अगर वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अब क्योंकि आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे नई एनर्जी के साथ, तब तक के लिए बी हैप्पी एंड केयरफुल।